इसकी डेंसिटी इज सिमिलर टू नाइट्रोजन. तो क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंसिटी नाइट्रोजन से सिमिलर है, दैट इज व्हाई दिस कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द सेम प्लेस एज नाइट्रोजन. तो ये नाइट्रोजन से ऊपर नहीं उठती, नाइट्रोजन से नीचे नहीं उठती, सिर्फ रूम में भर जाएगी. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वाटर गैस. अब यहां पे हम H2 और कैटलिस्ट के साथ अगर इसको ट्रीट कर दें, देन इन दैट केस वी गेट CO2 प्लस 2H2. अब एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, व्हाट हाउ वी कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर गैस. And this is the way to increase the amount of hydrogen in water gas. दिस रिएक्शन जो आपने अभी अभी लिखा है, देखा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वॉटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. Now, this entire process of producing hydrogen from water gas is termed as the Bosch process. Now, this was an extremely important reaction for the preparation of hydrogen earlier. ठीक है, copy it down. ठीक है, water gas shift reaction. और अब हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड की. ठीक है, एंड दैट मेथड इज फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्रॉम पेट्रोलियम. देखो, हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, आपको यह पता है कि पेट्रोलियम से हम डिफरेंट फ्रैक्शन सेपरेट करते हैं. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, जब हम पेट्रोलियम लेते हैं तो उसका एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है. 10th क्लास में थोड़ा सा आपने उसके बारे में किया था. तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो एलपीजी है. द फर्स्ट फ्रैक्शन इज एलपीजी. ठीक है, सीएनजी इसमें से नहीं आता. ध्यान रखना, पेट्रोलियम डजंट गिव अस सीएनजी. ठीक है, the first part comes out to be LPG. Second part is called gasoline. Gasoline ko hum petrol bhi kehte hain. Theek hai? Third part we get diesel. Then we have kerosene. Theek hai? Uske baad hamare paas aa jata hai something called the fuel oil. Theek hai?
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्फाल्ट, वैक्सेस एंड ऑल, क्लियर। जब हम इनकी बात करते हैं, इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कमर्शियली ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कमर्शियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दीज आर यूज्ड बाय जनरल पब्लिक, ठीक है। और जनरल पब्लिक के चक्कर में हमने जनरल पब्लिक को इस तरीके से बना रखा है कि भाई आपको तो इस्तेमाल करना ही करना है वरना आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी, ठीक है। तो दैट्स द प्रॉब्लम, तो हम जनरल पब्लिक को कह देते हैं। तो अब क्या होता है, क्योंकि दिस इज बीइंग यूज्ड बाय जनरल पब्लिक एंड जनरल पब्लिक हैज नो वे टू डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यू। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा है कि हम लाएंगे 29 रुपए का, 29 रुपीज का, हम तुम्हें देंगे 74 रुपीज का। अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि तुम ईरान से टैंकर मंगवा लो कि छोड़ो यार तुम्हारे बस की, तुम नहीं करो, हम टैंकर लेकर आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन, ऑन आर ओन। दैट्स वॉट यू आर नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। अब क्योंकि आप ये नहीं करोगे इसलिए गवर्नमेंट जितना टैक्स चाहे तुमसे ले सकती है। सिचुएशन ये है कि द गवर्नमेंट इज एक्चुअली नॉट पुशिंग द इलेक्ट्रिक कार्स, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई तो गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू का पार्ट है वो आना बंद हो जाएगा, क्लियर। तो अब एक बात देखो, इंडियन गवर्नमेंट, एक बात का ध्यान रखना, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इंपोर्ट गैसोलीन और डीजल और केरोसिन और एलपीजी। इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल, मतलब कि ईरान की फील्ड्स में से ऑयल निकला ना, निकालते ही टैंकर में भरा इंडिया की तरफ चल दिया, या यूएस से या कुवैत से या यूएई से, जहां से भी भरा और टैंकर चल दिया, क्रूड ऑयल आता है, फिर इंडियन रिफाइनरीज में इनको सेपरेट किया जाता है। अब होता यह है कि जब इनको सेपरेट किया जाता है तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इक्वल अमाउंट में है, और ये जो इक्वल अमाउंट में सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सब की वैल्यूज अलग अलग है। ये दोनों जनरल पब्लिक यूज कर रही है, ये हाउस होल्ड में यूज हो रहा है, जिसके अंदर सब्सिडी दी जाती है वो अलग बात है, कमर्शियल करके इसको भी बेचते हैं। केरोसिन अगेन हाउस होल्ड यूज हो जाता है, लेकिन केरोसिन इज द जेट फ्यूल एज वेल, तो ठीक है केरोसिन के भी पैसे लिए जा सकते, लेकिन इनका क्या करें फ्यूल ऑयल का, एस्फाल्ट का, वैक्सेस का, कितनी क्रीम बनाओगे यार। और जब वो इंडस्ट्री ने यूज करना है, जब आप जो चीज इंडस्ट्री यूज करती है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल, अगर मान लीजिए आप रिलायंस वाले को कहेंगे हम तुम्हें इतने का वैक्स देंगे, रिलायंस वाले कहेगा चुप मैं इंपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हें वैक्स दूंगा, तुम क्या मुझे वैक्स दोगे। इंडस्ट्रीज दैट डोंट लिसन टू द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट हैज टू लिसन टू द इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी रिफाइनरीज में, यहां तक कि रिलायंस वाले को भी अगर पैसा कमाना है तो वैक्स से पैसा नहीं कमा सकता, वो एस्फाल्ट से पैसा नहीं कमा सकता, वो फ्यूल ऑयल से पैसा नहीं कमा सकता, उसको अगर पैसा कमाना है तो इट हैज टू वर्क ऑन द पेट्रोल एंड द डीजल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे ब्रेक अपार्ट द बिग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इंटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इंटू कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्मॉलर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग। लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग, CRACKING, क्रैकिंग, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इंटू commercially important into commercially important smaller hydrocarbons
इज टर्म्ड क्रैकिंग। सर रिपीट करना। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड क्रैकिंग। ठीक है, इज टर्म्ड क्रैकिंग। अब क्रैकिंग हमारे पास दो तरीके की है, एक कहलाती है सर थर्मल क्रैकिंग। सर हाँ जी, आपने अभी जो एग्जांपल दिया था इंडस्ट्रीज में क्रैकिंग का यूज होता है, वो फिर से रिपीट कीजिएगा। इंडस्ट्री के अंदर क्रैकिंग का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब फ्यूल ऑयल और वैक्सेस बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन है। हाँ, बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन से, तभी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उनका जो ये, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं हमें। ओके सर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज द क्रैकिंग। अब हम बात करते हैं क्रैकिंग के दो टाइप की। एक टाइप कहलाता है व्हाट वी कॉल एज थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग का बहुत सीधा सीधा डेफिनेशन है, लिख लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, थर्मल क्रैकिंग, ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग अलोन, breaking of long chain hydrocarbons by heating alone is termed thermal cracking. alone sirf heating se is termed thermal cracking. theek hai, ab thermal cracking ke baad jo dusra naam hamare paas aa jayega that is called कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है, बाय द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगा? इट इज द ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफन दीज आर सिलिकेट कैटलिस्ट, जियोलाइट्स वो यूज किए जाते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन पूरी लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। हीट तो आएगी आएगी, बट इट इज हीट एंड कैटलिस्ट इज टर्म्ड कैटलिटिक क्रैकिंग। अच्छा, कैटलिटिक क्रैकिंग का हमारे पास वेरी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कैटलिटिक क्रैकिंग के अंदर जो हमें चाहिए होता है, हम स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, एक डोमिनेंट ले सकते हैं, जबकि थर्मल क्रैकिंग के अंदर हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिल जाता है। अब डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए, अगर हम मिक्सचर में इंटरेस्टेड हैं तो सीधे थर्मल क्रैकिंग कर दी जाती है, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन ज्यादा चाहिए तो वो कैटलिटिक हाइड्रो क्रैकिंग कर दी जाती है। क्वाइट ऑब्वियसली कैटलिटिक क्रैकिंग प्रेफर्ड है। सिलिकेट्स आर सिलिकेट्स, ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव इज कैटलिटिक क्रैकिंग। चाहे हम थर्मल क्रैकिंग की बात करें चाहे कैटलिटिक क्रैकिंग की बात करें, रिएक्शन आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2CH2CH3,
नाउ दिस कंपाउंड इज हेक्सीन, छह कार्बन है, हेक्स एन। इसको हमने क्रैक कर दिया। जब इसको क्रैक करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन पॉसिबल है। या तो ये बीच में से टूट जाएगा, अगर बीच में से टूट गया तो हमें मिल जाएगा CH3 CH CH2 प्लस CH2 CH CH3, ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अनइवन ब्रेक कर जाए, अनइवन ब्रेक कर गया तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH CH2 प्लस CH2 CH2, ठीक है। लेकिन इन दोनों के ब्रेक करने के साथ हमें एक मिलता है टाटा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, एंड दैट बाय प्रोडक्ट दैट वी गेट इन दोनों केसेस में इट इज प्लस हाइड्रोजन। मैसेज देख लीजिए, मैसेज देख लीजिए। ओके, सर ये किसका एग्जांपल है? ये क्रैकिंग का एग्जांपल है। तो ये हमारे पास क्रैकिंग के साथ में हमारे पास हाइड्रोजन बन गया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन फॉर्मेशन, तो अब आज की सिचुएशन ये है कि हाइड्रोजन का मेजर सोर्स हैज बिकम क्रैकिंग, क्योंकि पेट्रोलियम को तो बहुत सारा क्रैक किया जाता है तो उसके साथ हाइड्रोजन बनता चला जाता है। इज इट ओके? So, these are the methods of preparation of hydrogen. Is it clear? Sir, reaction जब हमारे पास ये बड़ा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये और ये बन गया। अब इसको अगर तुम ऐड करके देखोगे तो इसमें दो हाइड्रोजन कम आ रहे हैं, इसमें दो हाइड्रोजन ज्यादा है।
यहां पर भी अगर करके देखोगे तो इसमें दो हाइड्रोजन कम आ रहे हैं, इसमें दो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वो जो दो हाइड्रोजन में कम आ रहे हैं दैट गो आउट एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज क्रैकिंग रिएक्शन। तो ये हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की, इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की, और सबसे पहले हमें बात करनी है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशन याद है। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स, आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स। अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो वो लिख सकते हैं, अगर याद है तो बहुत आराम से सुन सकते हैं। आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, दैट इज आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स, आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट different number of neutrons, that is they have the same atomic number, that is they have the same atomic number but different mass number, they have the same atomic number but different mass number, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं तो जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द सेम एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम, जो किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइब्ड, इट इज वेरी, इट इज डिक्टेटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट है। क्योंकि आइसोटोप्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो जाएगा, तो इनकी डेंसिटीज अलग है, ठीक है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी रिएक्टिविटी सेम है। तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहला आइसोटोप्स हमारे पास है H11। अब एक बात का ध्यान रखो, जब भी हम किसी एटम का सिंबल लिखते हैं तो वहां पर ये, जैसे कि हमने एक एटम का सिंबल लिखा हुआ X, तो इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर इट इज मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, तो ये हमेशा एक होल नंबर है, ठीक है। नीचे इट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। राइट बॉटम नीचे, दिस इज एटॉमिसिटी, कितने एटम है इसके मॉलिक्यूल में, ठीक है। और राइट टॉप पर इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज। तो इस तरीके से एक सिंबल बनाया जाता है। तो यहां पर जब मैंने लिखा H11 तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है,
यहां पे न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। क्लियर। फिर हमारे पास है H2O1 और हमारे पास है H3O1। अब अगर हम इनके नाम की बात करें, ऑब्वियसली तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तीनों का हाइड्रोजन तो हम बोल ही सकते हैं, पर हां फिर भी इसको हम बोल देते हैं प्रोटियम, इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इनके हम सिंबल भी अलग अलग लगा देते हैं। जैसे प्रोटियम के लिए तो कोई अलग सिंबल नहीं लिखते, इसको H11 ही लिख देते हैं, ड्यूटेरियम को D लिख देते हैं और ट्रिटियम को T लिख देते हैं। ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन, ये प्रोटियम और ड्यूट्रियम, दे आर स्टेबल आइसोटोप्स, मतलब कि इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन ट्रिटियम इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। बीइंग अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इट डिकम्पोजेस, इट अंडरगोज ये रेडियोएक्टिविटी और ये खत्म हो जाता है, तो ट्रिटियम बहुत ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ओके। नाउ ये हमने लिख दिया। अब हमने बताया कि ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव। ओके, ड्यूट्रियम एंड प्रोटियम आर स्टेबल। ड्यूट्रियम एंड प्रोटियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। ठीक है। अब कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है कि ड्यूट्रियम और प्रोटियम की जब हम बात करते हैं
तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो है ही, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाता है। और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम की बात करते हैं तो वहां पर सडनली एटॉमिक मास डबल हो गया है, तो वो सडन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास, वेरी हाई परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मास से वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी फर्क आ देता है। और यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। लिख लीजिए आइसोटोप इफेक्ट की डेफिनेशन। आइसोटोप इफेक्ट, the difference in physical and chemical, the difference in physical and chemical properties of, the difference in physical and chemical properties of the compounds due to the difference in the isotopes of the same element present in them is termed isotope effect. The difference in physical and chemical properties of the compounds, the difference in physical and chemical properties of the compounds due to the presence of different isotopes of the same element, due to the presence of different isotopes of the same element in them is termed isotope effect. Is termed isotope effect. ठीक है, तुम्हें चाहिए स्टाफ लोग? ओके, अब यहां पर आइसोटोप इफेक्ट प्रोटियम और ड्यूट्रियम के लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, व्हाट वी फाइंड इज कि ड्यूट्रियम का जो बॉन्ड होता है किसी भी एटम के साथ, चाहे ड्यूट्रियम के साथ ही हो, चाहे कार्बन के साथ हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, किसी भी एटम के साथ द बॉन्ड ऑफ ड्यूट्रियम इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड ऑफ प्रोटियम। ठीक है, लिख लीजिए, the bond of deuterium, the bond of deuterium is slightly stronger, the bond of deuterium is slightly stronger compared to the bond of प्रोटियम। ठीक है, बॉन्ड ऑफ प्रोटियम, हेंस ऑल ड्यूट्रियम कंपाउंड्स इन विच
ऑल ड्यूट्रियम कंपाउंड्स इन विच द ड्यूट्रियम बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन आर स्लाइटली लेस रिएक्टिव are slightly less reactive than protium compounds. ठीक है, अब इसके हमारे पास काफी सारे आउटकम्स हैं. जब हम काफी सारे आउटकम्स की बात करते हैं इन सब में, तो एक सीधी सी बात है, लेट अस से हमें ड्यूट्रियम प्रोटियम को अलग अलग करना है. कैसे करें? पानी के अंदर देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ड्यूट्रियम ऑक्साइड. D2O की बहुत छोटी सी परसेंट है पानी के अंदर, समथिंग लाइक 0.1%. ड्यूट्रियम और प्रोटियम को अलग करना है, ठीक है, या ये कह लो कि पानी में से ड्यूट्रियम को एक्सट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे? सीधा सीधा तरीका, बहुत सीधा सीधा तरीका. हम पानी लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है. जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता यह है कि प्रोटियम ऑक्साइड H2O आसानी से इलेक्ट्रोलाइज होता है. D2O इज स्लाइटली लेस रिएक्टिव देन प्रोटियम ऑक्साइड, तो D2O मुश्किल से इलेक्ट्रोलाइज होता है. अगर D2O मुश्किल से इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, मतलब कि उसके अंदर ड्यूट्रियम नहीं निकल रहा, ड्यूट्रियम ऑक्साइड बचता चला जा रहा है. तो अगर हम पानी लेते हैं, उसको आधा इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, फिर उसको मिक्स करके फिर आधा इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, और इस तरीके से हम रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइज करते चले जाएंगे, तो पता चलेगा हमारे पास पीछे सिर्फ ड्यूट्रियम ऑक्साइड रह गया, प्रोटियम ऑक्साइड सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइज हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन हमें मिल गया, पीछे हमें ड्यूट्रियम ऑक्साइड मिल गया. नाउ दिस ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज कॉल्ड हैवी वाटर. आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस नेम, क्योंकि अगर मैं वाटर के मोलर मास की बात करूंगा वो 18 आएगा, D2O का मोलर मास 20 आएगा. ठीक है, सो दिस ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज टर्म्ड हैवी वाटर. क्योंकि प्रोटियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड ड्यूट्रियम ऑक्सीजन के बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है. तो कहीं पर भी अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जहां पे ड्यूट्रियम प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन का और किसी और एलिमेंट का बॉन्ड टूटना है, उस हर रिएक्शन के अंदर प्रोटियम ऑक्साइड यानी कि नॉर्मल वाटर इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ड्यूट्रियम ऑक्साइड, दैट इज हैवी वाटर. यही होगा आइसोटोप इफेक्ट. हाँ, ये भी तो आइसोटोप इफेक्ट ही है. यहां पे ड्यूट्रियम ऑक्साइड और प्रोटियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है, उनके रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो वेरी ऑब्वियसली दिस वुड बी टर्म्ड एज आइसोटोप इफेक्ट. ओके सर. ट्रिटियम की बात हम नहीं कर रहे, ट्रिटियम नॉर्मल वाटर में प्रेजेंट नहीं है, ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव. Is that clear? कोई confusion? कोई problem? Okay, so that's what we have as the heavy water. अच्छा, heavy water is less reactive as compared to normal water. अब देखो, एज सच पानी के अंदर हैवी वाटर थोड़ी से अमाउंट में होता है. हैवी वाटर एज सच पॉइजनस नहीं है कि वो आपको मार देगा. पर अगर
किसी व्यक्ति को प्योर हैवी वाटर पिलाया जाए तो होगा ये कि उसकी बॉडी के फंक्शंस, अब देखो हर बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत सारे चीजें हाइड्रोलिसिस हैं. हाइड्रोलिसिस इज नॉट एक्चुअली ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग ऑफ वाटर. तो अगर हम हैवी वाटर की बात करते हैं तो हैवी वाटर को तोड़ना एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर के मुश्किल हो जाएगा. अब अगर हैवी वाटर को तोड़ना एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर मुश्किल हो गया तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन स्लो हो जाएंगे. तो अगर किसी व्यक्ति को प्योर हैवी वाटर ही पिलाया जाए, उसको हैवी वाटर ही देते चले जाए, देन इन दैट केस ही इज गोइंग टू बिकम लेथार्जिक. उसको समझ ही नहीं आएगा, वो इतना वो कमांड बॉडी दे रही है कि चलो हाथ उठाओ, और उसका हाथ उठाओ कमांड जा चुकी है, हाथ ऐसे उठ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों हो गया, क्योंकि कमांड तो जा चुकी है लेकिन जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो धीरे से प्रोड्यूस हो रही है, उतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं हो रही. यानी कि एटीपी जो होते हैं, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसका भी हाइड्रोलिसिस होता है तो एनर्जी मिलती है. एंड दिस वे जो वाइटल फंक्शंस है अगर उनको एनर्जी मिलनी कम हो जाएगी, स्लो होती चली जाएगी, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम स्लो एंड अल्टीमेटली द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डाई. ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास हैवी वाटर पी लिया, लो जी अब हम मरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर कॉन्टिन्यूसली दिया जाए देन इन दैट केस इफ यू आर गोइंग टू डाई. अब जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल कहा कि अगर प्योर हैवी वाटर के अंदर किसी फिश को डाल दिया जाए तो पहली बात तो फिश पहले तो चलती रहेगी लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जितना पानी है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय हैवी वाटर, और जैसे जैसे वो रिप्लेस होता चला जाएगा इट्स गोइंग टू बिकम लेथार्जिक एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू डाई. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव इज हैवी वाटर. अब बात आती है कि हैवी वाटर आखिरकार हम यूज कहां करते हैं. द यूज ऑफ हैवी वाटर एंड द यूज ऑफ हैवी वाटर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द यूज ऑफ हैवी वाटर. अच्छा, हैवी वाटर का यूज बताने के लिए आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल आउट, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे हम. And we are going to go on with something called the nuclear reactions. Okay? Nuclear reactions. जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास आप कह सकते हो तीन तरीके के हैं. एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी इज समथिंग लाइक स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन अनस्टेबल एटम्स. ठीक है, लिख लीजिए रेडियो एक्टिविटी. द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस. और रेडिएशंस कौन से, अल्फा बीटा गामा. सर प्लीज रिपीट. द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा. फ्रॉम द न्यूक्लियस. The spontaneous emission of radiation from the nucleus of certain unstable atoms, or in fact, the atoms with unstable nucleus, we bol sakte ho, is termed रेडियो एक्टिविटी. सर रिपीट कर लो. द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन अनस्टेबल एटम्स इज टर्म्ड रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप निकलती है.
ठीक है, तो एक हमारे पास रिएक्शन हो गया रेडियो एक्टिविटी, दूसरा रिएक्शन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। ब्रेकिंग ऑफ एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस, ब्रेकिंग ऑफ एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस इंटू न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर मासेस, न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर मासेस इज टर्म्ड फिजन। ठीक है, ब्रेकिंग इट, आपने उसको तोड़ दिया है। अब एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में नहीं, समथिंग लाइक कि आपने एक ईंट ली, ईंट को आपने ऐसे छोड़ दिया, अगर उस ईंट का एक कोना निकल गया तो हम उसे रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे, छोटा सा पीस निकल गया, अल्फा बीटा गामा छोटे छोटे पीस है। ठीक है, और अगर वो ईंट नियर अबाउट बीच में से टूट गई, नियर अबाउट एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये जो टूटा है एग्जैक्ट सेम मास का, ये सेम मास का, बीच में से टूट गया, देन इन दैट केस इट वुड बी कॉल्ड फिशन। ओके, हमारे पास कुछ फिशनेबल मटीरियल्स हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 213 या प्लूटोनियम 239 है, यूरेनियम 233 है, दीज आर स्पेसिफिक फिजनेबल न्यूक्लियस। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन जो शो करते हैं दैट इज यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था वो यूरेनियम 235 बेस्ड था, जो नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था वो प्लूटोनियम 239 बेस्ड था। फैट बॉय वॉज दिस प्लूटोनियम, लिटिल मैन नहीं, फैट मैन था वो, फैट बॉय नहीं, लिटिल बॉय एंड फैट मैन उनके कोड नेम्स थे उन बॉम्ब के। सर वो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं थे? नहीं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस, दीज आर फिजनेबल मटीरियल। इसके अलावा हमारे पास तीसरा रिएक्शन भी है, सर हाइड्रोजन बम बनाना पॉसिबल नहीं है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एंड आई विल सजेस्ट प्लीज यू स्टॉप giving the answers, let me give the answers, बंद करो अपना answers देना, जब मुझे answer देना होगा मैं दे दूंगा। नमन, no answers on the chat, no answers with each other, I'll give the answer if I want to। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं, इट इज मर्जिंग टूगेदर of lighter atoms to form a larger nuclei, fuse, join together। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है संलयन रिएक्शन, संलयन। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन का आंसर लिख लीजिए, फ्यूजन रिएक्शन joining together joining together of lighter nuclei to give a larger to give a large nucleus to give a large nucleus is called nuclear fusion reaction।
Now, nuclear fusion reaction is the one which takes place in the stars. तो ये जो stars में reaction होता है, sun में जो reaction है, that is what we call as nuclear fusion reaction. ठीक है. अच्छा, as far as our bombs are concerned, सर अर्थ हो सकता है. As far as the bombs are concerned, we have a bomb called thermonuclear device. Thermonuclear device. अब जब हम उस thermonuclear device की बात करते हैं, I believe आपने वो एक movie आई थी अभी परमाणु, एक परमाणु आई थी ना movie, John Abraham की परमाणु movie आई थी. ठीक है. अभी we say that अभी recently जब ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के regime में we did a nuclear test. हम इंडिया अब तक दो nuclear test कर चुका है. One nuclear test was something way back in 1975 and another one was recently. तो जो अब recently जो test हुआ था, that was a hydrogen bomb. That was a fusion bomb. That was a thermonuclear device. ठीक है? 10th class में मैंने एक calculation किया था. खुद calculation किया था कि अगर हम 1 gram uranium लेते हैं 235 और उसका फिजन करते हैं, और अगर मैं 1 gram हाइड्रोजन लेके उसका फ्यूजन कर दूं तो कितनी एनर्जी निकलेगी. देन द कैलकुलेशन शोड अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग. वो ये 1 gram यूरेनियम के फिजन से जो एनर्जी निकलेगी, उससे 1 gram हाइड्रोजन के फ्यूजन की एनर्जी नियर अबाउट 7 times ज्यादा है. मुझे नहीं पता तुम्हें 7 times ज्यादा क्या है, 7 times में क्या फर्क पड़ता है, 1000-2000 times तो ज्यादा नहीं है. लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि वो 7 times जो ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को बनाना, उस एनर्जी को यूज करना इज समथिंग लाइक वाटर चीप. वाटर चीप, वाटर चीप से मेरा मतलब ये है, देखो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की प्रॉब्लम यह है कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल है. ये फिजन बॉम्ब इज एक्सट्रीमली इजी टू मेक बट कॉस्टली है, बहुत आसान है इसको बनाना. ऑन द अदर हैंड अगर हम थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को बना लें, मतलब कि वो इनिशिएट हो सकता है, तो जानते हो उसकी कैपेसिटी बढ़ाना इज नथिंग. ऐसे कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि उसका फ्यूल क्या है, पानी. मतलब कि आपने 1 गिलास पानी की जगह 2 गिलास पानी डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी डबल हो गई, 3 गिलास पानी डाल दिया तो कैपेसिटी ट्रिपल हो गई. बस उसमें कुछ नहीं, कितना पानी डाल सकते हो और उसमें कॉस्ट कितनी बन जाती है, भैया उतना पानी लेके कौन जाएगा, दैट्स द कॉस्ट ऑफ इट. ऑफकोर्स ये वंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ डिबेट अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, तो वहां पर उन्होंने यह बताया था कि एक एग्जिस्टिंग थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में अगर हम एक हिरोशिमा ऐड करना चाहते हैं, पूरा हिरोशिमा की जितनी कैपेसिटी वाला बॉम्ब एक और ऐड करना चाहते हैं, देन द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर इट इज $12. दैट्स व्हाट थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स आर. There is a fiction kind of thing of doomsday machines. Do you know what doomsday machines are supposed to be? जब कोल्ड वॉर थी इंडिया, वो रशिया और यूएस की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उसके अंदर doomsday machine की बात होती थी. Doomsday machine क्या है? Doomsday machines are simple, huge submarines. Now those huge submarines are completely fusion bomb. वो पूरी की पूरी fusion bomb है. Those are autopilot submarines. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ऑटो पायलट, विच कैन रिमेन सबमर्ज्ड फॉर ईयर्स टुगेदर. उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सालों साल, कई साल तक सबमर्ज रह सकती हैं. यानी कि दे मेक अ न्यूक्लियर सबमरीन, दे सबमर्ज इट इन वॉटर, प्रोग्राम इट, एंड वेन समथिंग हैपन्स दो सबमरीन्स राइज अप, दे मूव टू डेजिग्नेटेड शोर्स. मतलब ये इस कंट्री पे जाएगा, ये इस कंट्री पे जाएगा, इस कंट्री पे जाएगा. दे गो टू दोज शोर्स, कंट्री में भी जाने की जरूरत नहीं है. दे आर सो पावरफुल बॉम्ब्स, शोर पे ब्लास्ट करेंगे, कंट्री गायब.
बेटा हवाई जहाज से तो बॉम्ब लेके जाते हैं, वो कितना बड़ा होगा? ज्यादा ज्यादा इस कमरे जितना। सोच सबमरीन कितनी बड़ी है, वो पूरी सबमरीन एक बॉम्ब है। दोज वर कॉल्ड डूम्स डे मशीन्स, दे वर फ्यूजन बॉम्ब्स। ओके, तो ये तो फ्यूजन की बात हुई, फिजन की बात हुई। अब जब हम फिजन बॉम्ब्स की बात करते हैं तो फिजन बॉम्ब्स की बात करें, फिजन बॉम्ब्स को बनाना, देखो उनके जो फ्यूल है वो कॉस्टली है, फ्यूल कॉस्टली है। एक बार आपके पास फ्यूल है तो फ्यूजन बॉम्ब बनाना है, फिजन बॉम्ब बना इज लाइक दिस। कुछ नहीं करना होता उसके लिए, यहां पे हमारे पास फिजनेबल मटेरियल है, यहां हमारे पास एक बेरिलियम शीट है, बेरिलियम शीट है, यहां पे हमारे पास एक स्पेक, नन्ना मुन्ना सा स्पेक ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल है, मे बी अमेरिसियम, मे बी रेडियम, मे बी पोलोनियम। इसमें से निकलेगा अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम सरफेस को स्ट्राइक करेगा। जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम सरफेस को स्ट्राइक करता है तो इसमें से निकलेगा न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन इसे स्ट्राइक करेगा, और जब ये न्यूट्रॉन इसे स्ट्राइक करेगा तो इस फिशनेबल मटेरियल में से ये यूरेनियम 235 का जो एटम है ये ब्रेक कर जाएगा, ये बनाएगा बेरियम, ये बनाएगा क्रिप्टन, और साथ में बनाएगा 1, 2, 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो तीन न्यूट्रॉन है ये तीन यूरेनियम से टकराएंगे, जब ये तीन यूरेनियम से टकराएंगे तो ये फिर से तीन 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 न्यूट्रॉन बना देंगे। मतलब कि आपने एक न्यूट्रॉन डाला, अगले में तीन बने, फिर 9 बने, फिर 27 बने, फिर 81 बने, फिर 243 बने, फिर 723 बने, बढ़ता चला जाएगा। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, पूरा का पूरा जो बल्क है वो फिजन कर जाएगा। हर फिजन में छोटी सी एनर्जी निकलती है, लेकिन जब पूरा बल्क फिजन करेगा देन द एनर्जी विच इज रिलीज्ड आउट। आपने टीएनटी का नाम सुना है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, टीएनटी। टीएनटी इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव का मतलब ये है कि जो हैंड ग्रेनेड्स वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल एक्सप्लोजिव होते हैं वॉर में जो यूज होते हैं, ग्रेनेड के अंदर, वो बम के अंदर जो यूज होता है वो टीएनटी यूज होता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, एक हैंड ग्रेनेड में जो हाथ से फेंका जाता है उसके अंदर 80 ग्राम्स टीएनटी होता है, 80 ग्राम टीएनटी। ठीक है, आई बिलीव आपने सुना ही है हैंड ग्रेनेड क्या कर लेता है, 80 ग्राम टीएनटी क्या करता है, वी डू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सोचो हमारे पास अगर 5,000 टन, मतलब कि 5,000 के आगे 3 0 और लगा दो, केजी टीएनटी है, तो ये क्या कर सकता है, कुछ अंदाजा? दिस इज 5 मिलियन किलोग्राम ऑफ टीएनटी। ठीक है, 80 ग्राम एक हैंड ग्रेनेड में होता है, 80 ग्राम, किलोग्राम नहीं, दिस इज 5 मिलियन किलोग्राम ऑफ टीएनटी। नाउ द बॉम्ब विच वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा दैट हैड अ कैपेसिटी ऑफ 9 किलोटन्स, 9 मिलियन टन्स ऑफ टीएनटी, वो एक बॉम्ब की कैपेसिटी थी। ठीक है, और आज की तारीख में द बिगेस्ट बॉम्ब विच इज विद अमेरिका, अमेरिका नहीं सॉरी, विच इज विद रशिया इज 50
मेगा टन्स। फिफ्टी मेगा टन का मतलब 50 मिलियन टन्स, यानी कि 50 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ टीएनटी, वो से एक बम की कैपेसिटी है। दैट्स द फ्यूजन रिएक्शन, दैट्स अ फिजन रिएक्शन, सॉरी वो गलती से नहीं फूटते ये, ठीक है। ये जो इसका एक्चुअली तब तक नहीं फूटेगा जब तक यहां पे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं डाला जाएगा, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द फ्यूज। ये निकाल के ठाक डालो, चार्ज हो गया, अब चलेगा ये, वही दिमाग खराब करने वाली बात है। ओके नाउ, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फ्यूजन, फ्यूजन। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अब जो हमें देखना है फ्यूजन रिएक्शंस है। अब होता क्या है, ये जो न्यूट्रॉन यहां से निकल रहा है, ये जो न्यूट्रॉन यहां से निकल रहा है, दिस न्यूट्रॉन इज व्हाट वी कॉल एज अ फास्ट न्यूट्रॉन, क्लियर? इट इज कॉल्ड अ फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, ये फास्ट न्यूट्रॉन की प्रॉब्लम ये है कि जब ये तुम हिला रहे हो क्या इस बेंच को, एक मिनट इसे पीछे करो, हाँ बस बस। तो अगर हम यहां पे इसकी बात करें तो दीज न्यूट्रॉन्स विच आर मूविंग आउट दीज आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स का मतलब ये है कि अगर इनके सामने कोई एटम आएगा ना, न्यूक्लियस आएगा, ये इसके थ्रू निकल जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, दे आर फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें इन न्यूट्रॉन्स को स्लो करना पड़ेगा, वी हैव टू स्लो देम डाउन। ओके, स्लो करके वी मेक देम थर्मल न्यूट्रॉन्स, यानी कि इतने स्पीड पर ले आते हैं कि वो हीट, जितना हीट करके उतनी स्पीड दी जा सके। अब जानते हो न्यूट्रॉन की क्या दिक्कत है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ठीक है, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चलती, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चलती, इनके ऊपर ग्रेविटी वर्क नहीं करती, इनके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क नहीं कर रहा, ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही, वीक न्यूक्लियर वर्क नहीं कर रहा, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स वर्क करता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियर, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि जब ये किसी न्यूक्लियस के थ्रू निकलते हैं तब ये थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, क्लियर? अब अगर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो एक बहुत सीधा सा तरीका है, वो तरीका ये है कि इसके सामने बल्क रख दिया जाए, बड़ा सा बल्क रख दिया जाए, तो जब उस बल्क के थ्रू ये निकलेगा तो ये स्लो डाउन हो जाएगा, किसी ना किसी एटम पे जाके टकरा जाएगा और रिएक्शन कर देगा। तो हमें एक बल्क का मिनिमम मास चाहिए ना, एक मिनिमम बल्क चाहिए, द मिनिमम बल्क दैट वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल फिजन रिएक्शन, जो खुद सस्टेन करे, वरना ये न्यूट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगा, इज कॉल्ड द क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी कितनी है। जो हमारी 10th की एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था वो ये था कि यूरेनियम का क्रिटिकल मास, यूरेनियम 235 का क्रिटिकल मास इज 24 ग्राम्स, यानी कि 24 ग्राम यूरेनियम 235 साथ में रखो, धूमधाम हो जाएगी। ओके, ये तो था न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमें दो काम करने हैं, एक, हम इसको ब्रांचिंग नहीं होने दे सकते, दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच्ड चेन रिएक्शन, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, वी कांट अफोर्ड दैट, क्योंकि उसमें एनर्जी एकदम से बढ़ती चली जाएगी, और जब एनर्जी इतनी बढ़ती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉब्लम यह होती है कि जिस जगह पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें ब्लास्ट नहीं होता, वो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट हो जाता है, इतनी एनर्जी निकलती है। And that has been there on Three Mile Island, that has been in Chernobyl. Nuclear reactor simply melts.
पूरा खत्म जी, बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। जब यूएस ने पहली बार न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, दैट वॉज डन इन अ डेजर्ट एंड दैट वॉज एन ओवरग्राउंड एक्सप्लोजन। जो पोखरण या जो परमाणु मूवी देखी थी उसमें अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन की बात की गई थी, दैट वॉज एन ओवरग्राउंड एक्सप्लोजन। उस ओवरग्राउंड एक्सप्लोजन में एक बड़ा सा स्टील का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूक्लियर डिवाइस रखी गई थी, बहुत दूर से उसको टेस्ट किया गया था। एंड द ऑब्जर्वेशन वॉज व्हेन द डिवाइस वॉज वर्क्ड देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द प्लेटफॉर्म इवैपोरेटेड, स्टील प्लेटफॉर्म इवैपोरेटेड। ठीक है, द टेम्परेचर दैट रीचेज is something like a million degree Celsius. That is many times over the sun's core. Itni energy nikalti hai. Samajh aa rahi hai baat? Jahan Hiroshima mein bomb giraya gaya tha, wahan pe crater ban gaya tha. Matlab puri ki puri earth wahan se khatam ho gayi thi, melt ho gayi thi. And that was able to melt tiles, ye tiles, ईंटे around let us say 200 feet, 200 feet की दूरी पे tiles melt कर दी। tiles का melting point 2200 degree Celsius है और वो 200 foot दूर। That's the energy which is released out. वो अलग बात है। ठीक है, clear? तो ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज दिस। अब बात आती है कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। ये तो हम कर नहीं सकते ना कि भैया क्रिटिकल मास पे डाला भ्रूम कर दो। वहां पे हमें पहली बात तो इसको ब्रांचिंग नहीं होने देनी, ठीक है। दूसरी बात, हमें इसे स्लो डाउन करना है विदाउट द न्यूक्लियर फ्यूल इन द पाथ, ठीक है। ब्रांचिंग रोकने के लिए हमारे पास है कंट्रोल रॉड्स, विच इज बोरॉन कैडमियम स्टील और विच कुड बी द हाफनियम रॉड्स। हाफनियम बहुत अच्छी तरह न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। ब्रीडर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 यूज कर लिया जाता है, ब्रीडर रिएक्टर्स भी होते हैं। ऑन एंड यह तो पहली बात है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को हमें कंज्यूम करना है। दूसरी चीज, हमें न्यूट्रॉन्स को स्लो करना है। न्यूट्रॉन को स्लो करने का काम करता है मॉडरेटर। नहीं, यहां पे हम क्रिटिकल मास तक नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर क्रिटिकल मास किया तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन बन जाएगा। नाउ हियर वी यूज मॉडरेटर। ठीक है, नाउ टू टॉक अबाउट मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर न्यूट्रॉन के साथ टकराता है, इनको एब्जॉर्ब नहीं करता, इनको स्लो कर देता है। सर सर, कार्बन ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? अब यहां पे जो मॉडरेटर की हम बात करते हैं, मॉडरेटर हमारे पास दो हैं, एक ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, और ग्रेफाइट अगर यूज करते हैं तो उसे कहते हैं सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर, सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है,
And the other substance which is used as a moderator is what we call as heavy water. क्योंकि अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल देता कि हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो तुमने सीधा मुझसे पूछना था सर मॉडरेटर क्या है, क्यों यूज होता है, मैंने पहले ही बता दिया, हाफनियम कंट्रोल रॉड है वो, न्यूट्रॉन जो ये तीन तीन निकल रहे हैं इनमें से दो न्यूट्रॉन को गायब कर देता है बीच में से। सर कार्बन रॉड्स मतलब वही ना, ग्रेफाइट रॉड्स। हाँ जी Okay, so that is the use of heavy water. Clear? तो ये हमने बात की isotopes of hydrogen की। अब देखो अगर आप tables देखोगे तो table के अंदर हमारे पास hydrogen के जितने भी compounds हैं उनके अलग अलग properties वगैरह सारी की सारी tables में दे रखी है, heavy water के melting point, boiling points सब दे रखा है, density दे रखी है, तो वहां पे हर जगह आप देखोगे कि हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम के अंदर केमिकली प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं एक और चीज पर, एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स पे, आइसोटोप्स हाँ। अच्छा जितना भी हमने किया है उसमें कुछ पूछना है आपने, एक बार फटाफट देख लो। पूछना है कुछ? चलिए अब एलोट्रोप्स की बात करते हैं। एलोट्रोप्स, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट having identical chemical properties but different physical properties. The different forms of the same element having identical chemical but different physical properties are called allotropes. Okay, and the typical examples of that, diamond graphite, ओजोन, ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, लेकिन है तो ऑक्सीजन ही ना, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं,
rhombic sulfur, monoclinic sulfur, those are called allotropes. ठीक है, चलो अगली कक्षा में इसे हम आगे बढ़ाएंगे.